Hello students, so today we are going to start our next lecture on the consumer equilibrium in case of the two commodities, and in this lecture we will discuss about the indifference curve theory which is also known as the ordinal theory. इसको ordinal theory भी बोलते हैं कि यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे कि it is the alternative combination of consumption of goods which gives the same level of satisfaction. मतलब ये alternative combination है उन दो goods का जो कि हम क्या कर रहे हैं, consume कर रहे हैं, and which gives the same level of satisfaction, और जो हमें क्या कर रही हैं, same level of satisfaction दे रही हैं. उन गुड्स के कंजम्पशन के कॉम्बिनेशन को, अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन को ही हम क्या कहते हैं, इंडिफरेंस कर्व थ्योरी कहते हैं. अब इंडिफरेंस कर्व थ्योरी क्या करते हैं, हम रिप्रेजेंट करते हैं ऑन दी कर्व. हम कर्व के ऊपर इसको रिप्रेजेंट करते हैं कि किस तरह से अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन जो है, जो कि एक कंज्यूमर क्या कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है, और उनसे मिलने वाला जो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है वो उनका क्या बन जाता है, उनका इक्विलिब्रियम पोजीशन बन जाता है, जहाँ पर उस जिसको हम क्या बोलते हैं, इंडिफरेंस कर्व थ्योरी बोलते हैं. In other words, it is a curve which represent the various combination of two goods which gives the same level of satisfaction. मतलब कि हम ये भी बोल सकते हैं कि एक ऐसा कर्व है which represent the various combination, जो कि various combinations को show करता है, of two goods, मतलब दो goods के combination को show करता है on a curve, एक curve के ऊपर, which gives the same level of satisfaction, जो कि आपको क्या कर रहे हैं, same level of satisfaction provide कर रहे हैं. उसे हम क्या बोलते हैं, इंडिफरेंस कर्व थ्योरी. नाउ दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इंडिफरेंस कर्व, एंड हेयर आई मार्क्ड थ्री पॉइंट्स, दैट इज ए बी एंड सी ऑन अ कर्व विच रिप्रेजेंट द डिफरेंट लेवल ऑफ कॉम्बिनेशन, और वी कैन से द अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स. And this A, B and C point on indifference curve is the equilibrium position. यहाँ पर ये क्या है, A is equals to B is equals to C. यहाँ पर ये तीनों point क्या है, एक दूसरे के equal है. How? अब देखो यहाँ पर जो Y है at the point A, Y का consumption जो है वो क्या है, इतना है, और X का consumption कितना है, इतना. मतलब कि y का कंजम्पशन ज़्यादा है और x का कंजम्पशन क्या है, कम है. एंड ऑन b पॉइंट, और y का अब कंजम्पशन कितना है, अब y का जो कंजम्पशन है वो क्या हो गया, डिक्रीज होकर इतना हो गया, और x का कंजम्पशन क्या हो गया, इंक्रीज होकर बढ़ गया. एंड ऑन c पॉइंट y का कंजम्पशन और भी ज़्यादा डिक्रीज हो गया, और एक्स का जो कंजम्पशन है वो क्या हो गया, बढ़ गया. इसी तरह से ये कॉम्बिनेशन एक कर्व के ऊपर शो होते हैं, लेकिन ये कर्व क्या करती है, अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशंस को शो करती है, जहाँ पर जो हमारा इनकम है वो तो सेम ही रहती है, लेकिन हम क्या करते हैं, एक गुड्स को कंज्यूम करने के लिए, एक गुड एक्स को कंज्यूम करने के लिए गुड वाई को क्या करते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं. सेम दैट इन केस ऑफ द पीपीसी कर्व, इंडिफरेंस कर्व में भी वही चीज़ है, लेकिन इंडिफरेंस कर्व में जो फ़र्क है वो क्या है, कंजम्पशन का है. इंडिफरेंस कर्व के अंदर हम क्या करते हैं कि कंज्यूमर ने कितना कंज्यूम किया और उसके अकॉर्डिंग उसका क्या है, अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन किस तरह से सेट होते हैं ऑन इंडिफरेंस कर्व. बट हमने जो हमारी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पढ़ी थी, उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था कि प्रोडक्शन किस तरह से होते हैं, और उसके डिफरेंट अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशंस को हमने कर्व के ऊपर देखा था. तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम इंडिफरेंस कर्व के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि हम क्या करते हैं कि किसी भी एक गुड की कंजम्पशन को इंक्रीज करने के लिए, किसी भी एक गुड की कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, दूसरी गुड की कंजम्पशन को डिक्रीज करना पड़ता है, रिड्यूस करना पड़ता है, सेक्रीफाइस करना पड़ता है. तो ये जो लेवल है, ये लेवल क्या है, सारा सेक्रीफाइजेशन का है. मतलब कि आपने क्या किया, इतना लेवल सेक्रीफाइस किया गुड वाई का टू प्रोड्यूस दिस मच गुड एक्स, मतलब मोर गुड एक्स को प्रोड्यूस करने के लिए आपने गुड वाई की जो कंजम्पशन है उसको क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया. तो दिस इज द इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस कर्व की डेफिनेशन, एंड दिस इज द कर्व विच रिप्रेजेंट द इंडिफरेंस कर्व, और विच रिप्रेजेंट द डिफरेंट अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ कंजम्पशन ऑफ गुड्स एक्स एंड गुड Y. And we'll discuss about the properties of the indifference curve theory in the next lecture. So, thank you so much.